Assalamualaikum class 5th. Class 5th, we have done our reading and difficult words. Now I am going to translate the whole story, Natasha's doll. Do you remember? क्या आपको याद है? Reading about the wicked witch. कि हमने एक बदमाश जादूगरनी के बारे में पढ़ा था, called Baba Yaga, जिसका नाम Baba Yaga था. Who lived in a forest, जो कि एक forest में रहती थी. Well, here is another tale. यहाँ पे एक और कहानी है, in which you will meet her, जिसके अंदर आप उसे मिलेंगे. Natasha lived on the edge of a great forest. एक लड़की थी जिसका नाम Natasha था, वो घने जंगल के करीब किनारे पे रहती थी. She was only 8 years old. वो सिर्फ 8 साल की थी when her mother died. जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया. द पुअर गर्ल वॉज हार्ट ब्रोकन. बेचारी लड़की बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, उसका दिल टूट चुका था. फॉर शी लव्ड हर मदर वेरी मच, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. ऑल दैट शी हैड टू रिमेंबर हर मदर बाय वॉज अ ब्यूटिफुल डॉल. अब वो अपनी माँ को सिर्फ एक ही चीज़ से याद किया करती थी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी. हर मदर हैड गिवन हर, जो कि उसकी माँ ने उसे दी थी. टेक ग्रेट केयर ऑफ द डॉल. इस डॉल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. हर मदर हैड टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसे बताया था. एंड फीड हर, और इसे खाना खिलाना. एंड आस्क हर फॉर हेल्प, और इससे मदद मांगना. वेन एवर यू आर इन नीड, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो. बट नेवर टेल एनी बडी अबाउट हर, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना. वेन नताशाज मदर डाइड, जब नताशा की मदर मर गई. हर फादर मैरिड अ वुमेन हु ऑलरेडी हैड टू डॉटर्स. उसके फादर ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जिसकी पहले से ही 2 बेटियाँ थीं. द टू गर्ल्स एंड देयर मदर डिड नॉट लव नताशा. उसकी मदर और दोनों उसकी बेटियाँ उस नताशा से प्यार नहीं करती थी. इन द हॉट समर, सख्त गर्मी के दिनों में, द स्टेप मदर मेड नताशा वर्क आउटडोर्स इन द सन. उसकी माँ उसे बाहर सख्त धूप में काम करने भेज देती थी. एंड इन द विंटर, और सर्दी के दिनों में, शी फाउंड द वर्स्ट जॉब. वो सबसे मुश्किल काम ढूंढती थी फॉर हर इन द आइसी विंड, उसके लिए ठंडी हवाओं में. एंड स्नो, और सख्त बर्फबारी में. नताशा नेवर कम्प्लेन, नताशा ने कभी कम्प्लेन नहीं की. शी कैप्ट हर डॉल विद हर वेर एवर शी वेंट. वो अपने साथ हमेशा वो डॉल रखती थी, वो जहाँ भी जाती थी. एंड वैन लाइफ बिकेम अनबेरेबल, और जब भी उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती थी, शी फेड द डॉल एंड आस्क फॉर हेल्प. वो उस डॉल को खाना खिलाती और उससे मदद मांगती. मिरेकुलियसली ऑल हर ट्रबल्स वेंट अवे, और अनोखे तरीके से सारी परेशानियां दूर हो जाती. एंड हर जॉब्स वर डन, और उसके काम हो जाते. वन डे, एक दिन, नताशाज फादर वेंट ऑफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी. नताशा के फादर बहुत लंबे सफ़र के लिए निकल गए. नताशा वॉज सैड टू सी हिम गो. नताशा उन्हें जाता देख बहुत दुखी हो रही थी. बिकॉज वैन ही वॉज अराउंड, क्योंकि जब भी वो उसके पास होते थे, लाइफ डिड नॉट सीम सो हार्श, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नज़र नहीं आती थी. दैट नाइट, उस रात, एज डार्कनेस फेल, जैसे ही अंधेरा हुआ, एंड अ विंड एंड रेन हाउल्ड एंड स्विर्ल्ड आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर तेज़ हवाएं और बारिशें तेज़ आवाज़ के साथ चलना शुरू हो गईं. द स्टेप मदर सेट द 3 गर्ल्स टू वर्क. उसकी स्टेप मदर ने तीनों लड़कियों को काम पे लगा दिया. वन ऑफ द डॉटर्स वॉज टोल्ड टू मेक लेस. उसने अपनी एक बेटी को लेस बनाने के काम में लगा दिया. द सेकेंड हैड टू निट स्टॉकिंग, दूसरे को स्टॉकिंग यानी मोजे बुनने के काम पे लगाया. एंड नताशा वॉज ऑर्डर टू स्पिन, और नताशा को बुनने के काम पे लगाया. द गर्ल्स वर लेफ्ट विद वन कैंडल बर्निंग. उन लड़कियों के पास सिर्फ एक जलती हुई कैंडल थी. एंड द वुमन वेंट टू बेड.
और वो औरत अपने कमरे में सोने चली गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वन ऑफ द डॉटर्स प्लग द विक आउट ऑफ द कैंडल, उनमें से एक बेटी, उसकी एक बेटी ने कैंडल से उसकी बत्ती तोड़ दी एंड डेलिबरेटली पुट इट आउट, और उसे बाहर फेंक, जानबूझकर बाहर फेंक दिया। ओ डियर, सेड द गर्ल, द कैंडल हैज़ गॉन आउट, वो लड़की कहने लगी, अरे ये कैंडल तो बाहर गिर गई। एंड देयर इज़ नो विक, और घर में कोई बत्ती भी नहीं है। वॉट एवर विल मदर से वैन शी फाइंड्स वी हैवन्ट बीन एबल टू डू आवर वर्क, अगर हम अपना काम नहीं कर पाए तो हमारी माँ हमें क्या कहेगी। दादर डॉटर से, दूसरी बेटी ने कहा, नताशा गो टू बाबा यागाज हाउस, उसने नताशा से कहा कि तुम बाबा यागा के घर जाओ एंड गेट अनदर लाइट, और दूसरी लाइट लेकर आओ। नताशा शटर्ड, नताशा कांपने लगी। शी न्यू अबाउट बाबा यागा, उसे बाबा यागा के बारे में पता था। द माइटी विच लिव्ड इन अ हट इन द फॉरेस्ट, वो ख़तरनाक विच फॉरेस्ट में एक झोपड़ी में रहती थी। एंड शी रोड थ्रू द एयर इन अ मोर्टार, और वो एक मोर्टार पर बैठकर हवाओं में उड़ती थी। शी वॉज सो पावरफुल, वो बहुत पावरफुल थी, डैट शी कुड क्रश एनी ह्यूमन, के वो किसी भी इंसान को कुचल सकती थी, हु क्रॉस हर पार, जो उसके रास्ते से गुजरे। नाउ नताशा वॉज फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, अब नताशा को एक परेशानी से गुजरना पड़ रहा था। इफ़ शी स्टेड एट होम, अगर वो घर में रहती, हर स्टेप मदर वुड मेक हर लाइफ मिजरेबल, तो उसकी माँ उसके घर उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देती। इफ़ शी वेंट टू द फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट जाती, बाबा यागा माइट डू हर ग्रेटर हार्म, तो बाबा यागा उसे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाती। शी वेप्ट एज शी पिक्ड अप हर डॉल, वो रोते हुए अपनी डॉल को उठाती है, एंड क्रस्ट ऑफ ब्रेड, और एक रोटी का टुकड़ा देती है, एंड सेट ऑफ फॉर द डार्क फॉरेस्ट, और अंधेरे जंगल में निकल जाती है। वैन दे नियर द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट के करीब पहुँचती है, नताशा फेड हर डॉल विथ सम ब्रेड, वो अपनी डॉल को कुछ ब्रेड खिलाती है। लिटिल डॉल शी सॉब्ड, वो सुपकियों से रो रही होती है और उससे कहती है, लिटिल डॉल प्लीज़ हेल्प मी नाउ, प्लीज़ अब मेरी मदद करो। नो बडी हैज़ एवर रिटर्न फ्रॉम बाबा यागाज हाउस, अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बाबा यागा के घर से वापस लौटा हो। आई एम अफ्रेड, मैं डर रही हूँ। आई रियली नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सच में ज़रूरत है। द डॉल च्यूड ऑन द ब्रेड, वो डॉल जो है वो रोटी का टुकड़ा चबाती है। एंड हर आईज ग्लिस्टर्ड लाइक ब्राइट स्टार, और उसकी आँखें सितारे की तरह चमकने लगती है। हैव नो फियर नताशा, नहीं डरो नताशा, सेड द डॉल, डॉल कहती है, नो हार्म विद सम विल कम टू यू, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बट रिमेंबर, पर याद रखना, डू नॉट टेल अ सोल अबाउट मी, मेरे बारे में हरगिज किसी को कुछ मत बताना। द फॉरेस्ट वॉज वेरी डार्क दैट नाइट, उस रात जंगल बहुत ही अंधेरे, जंगल में बहुत अंधेरा था, बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड द रेन, बादलों और बारिश की वजह से। द विंड हाउल्ड थ्रू द ट्रीज, हवाएं, तेज़ हवाएं दरख्तों से गुजर रही थी। एंड स्वाइंग ब्रांचेस क्रीक्ड, और उनके तनों और उनके उनकी शाखों से आवाज़ें आ रही थी। एंड ग्रोन एज इफ दे वर इन पेन, ऐसे जैसे कि उन्हें कोई तकलीफ पहुंच रही है। नताशा ड्रू हर क्लॉक टाइटली अराउंड हर सेल्फ, नताशा अपनी चादर को अच्छे से अपनी तरफ लपेट लेती है, एंड मार्च ऑन, और चल पड़ती है, क्लचिंग द लिटिल डॉल क्लोज टू हर चेस्ट, अपने डॉल को सीने से लगाए। शी वॉकड एंड वॉक, वो चलती रहती है, एंड आफ्टर एन आवर और टू, और एक दो घंटे बाद, शी हर्ड द डिस्टेंट थड ऑफ हॉर्सेज हूव्स, वो घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनती है। एट फर्स्ट शी थॉट इफ इट वॉज थंडर, पहले तो वो ये समझती है कि शायद तूफान है, बट देन द स्टेडी बीटिंग ऑफ द हूव्स गॉट लाउडर एंड क्लोजर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन घोड़ों की आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और ज़्यादा करीब आ जाती हैं। नताशा फ्रोज, नताशा जम जाती है, एंड द अर्थ ट्रेम्बल अंडर हर फीट, और उसके पैरों तले ज़मीन थरथराने लगती है। देन सडनली अ हॉर्समैन ड्रेस्ड ऑल इन वाइट
फिर अचानक एक घुड़सवार जिसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, थंडर्ड बाय ऑन अ ब्रिलियंट वाइट स्टीड, एक सफ़ेद घोड़े पर सवार उसके गुजरता है। एज दे पास नताशा, जैसे ही वो नताशा के पास से गुजरता है, एंड डिसअपियर्ड इन टू द ट्रीज, वो दरख्तों में गाया हो जाता है। द स्काई बियॉन्ड शोड द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन, आसमान से सूरज की पहली किरण नज़र आने लगती है। नताशा वंडर्ड हु द हॉर्समैन वॉज, नताशा हैरान हो जाती है कि वो हॉर्समैन कौन था, एंड वेयर ही वॉज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था। शी वॉज फ्राइटेन, वो बहुत डरी हुई थी। बट एट लास्ट द स्काई वॉज नाउ लुकिंग लेस डार्क एंड थ्रेटनिंग, लेकिन अब आसमान कम खौफनाक नज़र आ रहा था। एज नताशा कंटिन्यूड हर जर्नी, जैसे ही नताशा अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, शी अगेन हर्ड अ साउंड, से फिर आवाज़ आती है, ग्रेट थंडरिंग, एक बहुत ही तूफ़ानी आवाज़, दैट ग्रू लाउडर अंटिल सडनली, जो कि अचानक से तेज़ हो जाती है। अ सेकेंड राइडर, एक और घुड़सवार एंड हॉर्स अपेयर, एक और घुड़सवार अपने घोड़े के साथ वहाँ नमूदार होता है। फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों में से, दे बोथ शोन ब्राइटली, वो दोनों बहुत ही चमक रहे थे, एंड रेड एज स्कारलेट, और बहुत ही सुर्ख नज़र आ रहे थे। नताशा लुक्ड अप, नताशा ऊपर देखती है, एंड नोटिस दैट द सन हैड राइजन हाई इन द स्काई, वो देखती है कि सूरज आसमान पर तुलू हो रहा है, एंड इट वॉज डे, और दिन शुरू हो गया है। ऑन शी वेंट, वो आगे बढ़ती है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिर में, व्हेन द सन वॉज अबाउट टू सेट, जब सूरज डूबने वाला होता है, शी रीच अ क्लियरिंग, वो एक जगह पर पहुंचती है। इन द मिडल स्टूड अ हट विद फीट लाइक द क्लॉज ऑफ हैंड, उस जगह के बीचों बीच एक झोपड़ी होती है जहाँ पे मुर्गियों के पैरों के जैसे निशानात लगे होते हैं। और अराउंड द हट देयर वॉज अ फेंस, उस झोपड़ी के चारों तरफ जंगला बना हुआ होता है, मेड ऑफ बोन्स, जो कि हड्डियों का होता है। एंड ऑन ईच बोन देयर वॉज अ स्कल, और हर बोन पे एक खोपड़ी भी लगी होती है। नताशा हैड नेवर सीन एनीथिंग सो स्ट्रेंज, नताशा ने कभी ऐसी अनोखी चीज़ देखी नहीं होती, और सो फ्राइटनिंग, और इतनी खौफनाक। एंड शी शटर्ड, वो कांपने लगती है। अगेन देयर वॉज अ नॉइस, फिर से आवाज़ आने लगती है। एंड थर्ड हॉर्समैन गैलप्ड आउट ऑफ द ट्रीज, फिर से एक घुड़सवार दरख्तों से निकलता हुआ उसे नज़र आता है। द हॉर्स एंड राइडर वर एज ब्लैक एज द नाइट, वो घुड़सवार और घोड़ा दोनों ही अंधेरी रात जैसे काले नज़र आ रहे होते हैं। वैन दे हैड डिसअपियर, जब वो गायब हो जाते हैं, द सन वेंट डाउन, सूरज डूब जाता है, एंड इट बिकेम डार्क, और अंधेरा हो जाता है। ओनली द बोन्स ग्लीम्ड वाइट, सिर्फ वहाँ की बोन्स ही रोशन नज़र आ रही होती हैं। एंड द एम्प्टी आई सॉकेट्स ऑफ द स्कल लाइट अप लाइक लैंटर्न्स, और उस स्कल यानी खोपड़ी की आंखें भी बहुत तेज़ चमक रही होती हैं जैसे कि चिराग। नताशा वॉच्ड इन हॉरर, नताशा डर कर उसे देख रही होती है। इफ़ इट वॉज एज इफ हर फीट हैड बीन नेल टू द ग्राउंड, और उसके पैर तो जैसे कि ज़मीन पर धसे जा रहे होते हैं। शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पा रही होती। देन फ्रॉम द फॉरेस्ट, और फिर फॉरेस्ट से केम अ लाउड स्क्रीचिंग, द विंड पिक्ड अप, और फिर एक तेज़ चीखने की आवाज़ हवाओं के साथ सुनाई देती है। एंड द ब्रांचेस स्वेड एंड ट्रेम्बल, और दरख्तों की शाखें थरथरा रही होती हैं। द डेड लीव्स रसल ऑन द ग्राउंड, वो मुरझाए हुए पत्ते ज़मीन पे गिर रहे होते हैं। हर्टलिंग थ्रू द एयर ऑन अ ह्यूज मोटार विद हर लॉन्ग ब्लैक हेयर ट्रेलिंग बिहाइंड हर, केम बाबा यागा, एक बड़े से हवन दस्ते बैठी हवा में उड़ती हुई बाबा यागा उसका पीछा करती हुई आती है। द मोटार सर्कल द हट, मोर्टार जो है वो यानी हावन दस्ता उस हट के झोपड़ी के चक्कर लगाने लगता है। एंड केम डाउन बिसाइड द गेट, और उसके दरवाजे के करीब रुक जाता है। द ओल्ड विच गॉट आउट ऑफ द मोर्टार,
वो बूढ़ी जादूगरनी मोर्टार से नीचे उतरती है एंड स्निफ द एयर, और हवा में आगे बढ़ती है। देन शी कैकल लाउडली, और फिर वो बहुत ऊंची आवाज़ में हंसती है एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाती है, आई स्मेल द फ्लैश ऑफ अ यंग गर्ल, मुझे एक बहुत ही मज़ेदार लड़की के गोश्त की खुशबू आ रही है। शी पेयर्ड आउट इन टू द डार्कनेस, वो अंधेरे में झांकती है एंड क्रूड हुज देयर, और पूछती है कौन है वहाँ। आउट आउट यू कम, बाहर निकलो बाहर निकलो। ऑल दो नताशा वॉज फ्राइटेंड, हालांकि नताशा बहुत डरी हुई थी, शी टुक करेज, वो हिम्मत बटोरती है एंड स्टेप फॉरवर्ड, और आगे बढ़ती है। आई एम नताशा, मैं नताशा हूँ, शी सेड सॉफ्टली, वो आहिस्तगी से बोलती है। माई स्टेप सिस्टर्स सेंड मी फॉर लाइट, मेरी सौतेली बहनों ने मुझे यहाँ लाइट लेने भेजा है। ओ सो इट इज़ यू, अच्छा तो ये तुम हो, सेड द विच, वो जादूगरनी कहती है, कैचिंग साई ऑफ नताशा, नताशा को देखती हुई। आई नो दोज गर्ल्स, मैं उन लड़कियों को जानती हूँ, एंड देयर मदर टू, और उसकी माँ को भी। वेल यू गेट नो लाइट अनलेस यू वर्क फॉर इट, तुम्हें कोई लाइट नहीं मिलेगी इससे पहले कि तुम कोई काम ना कर दो। देन एब्रप्टली, फिर अचानक शी टर्न टू द गेट, वो गेट की तरफ मुड़ती है एंड श्रीक्ड, और चिल्लाती है, ओपन गेट्स, गेट्स खुल जाओ, बाबा यागा विल एंटर, बाबा यागा अंदर आएगी। द गेट स्वंग ओपन, वो गेट्स खुल जाते हैं एंड बाबा यागा पास थ्रू देम, और बाबा यागा उनसे गुजर जाती है एंड एंटर द हाउस, और घर में दाखिल हो जाती है। नताशा फॉलोड वेरी स्लोली, नताशा भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आती है। नाउ सेड द विच व्हेन नताशा एंटर्ड द हाउस, जब नताशा घर के अंदर आ जाती है तो वो विच नताशा से कहती है, ब्रिंग अ लाइट फ्रॉम द स्कल्स आउटसाइड, बाहर रखे स्कल्स में से एक लाइट लेकर आओ, एंड सर्व माई सपर, और मेरा खाना सर्व करो, इट्स इन द ओवन, ये ओवन में रखा है, एंड द सूप इज़ इन द कॉल्ड्रन, और सूप जो है वो पतीले में है। नताशा ब्रॉट इन अ लाइट, नताशा लाइट लेकर आती है एंड सर्व द सूप, और सूप सर्व करती है, एंड देन वॉच्ड इन अमेजमेंट, और हैरानी से उसे देख रही होती है। एज बाबा यागा गोबल्ड अप मोर फूड देन 10 मैन कुड हैव ईटन, और वो हैरानी से बाबा यागा को देख रही होती कि वो एक झटके में ही 10 लोगों से ज़्यादा खाना खा चुकी है। अ होल गूस अ कपल ऑफ चिकन, एक पूरा हंस और कुछ चिकन्स भी, रोस्ट मीट्स ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग किस्म के भुने हुए खाने वो खा रही होती है, एंड होल लोफ ऑफ ब्रेड, और एक पूरा रोटी का टुकड़ा भी। शी स्वालोड दिस डाउन विद लार्ज पेल ऑफ फाउल स्मेलिंग लिक्विड, ये सब कुछ उसने एक अजीब बदबूदार लिक्विड से भरी बाल्टी के साथ निगला होता है। एट द एंड ऑफ हर मील, उसके खाने के बाद शी थ्रू नताशा अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड, वो नताशा को एक रोटी का टुकड़ा दे देती है। दैट्स योर सपर गर्ल, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है, ये तुम्हारा खाना है लड़की, बट यू मस्ट अर्न इट, लेकिन तुम्हें इसे कमाना होगा। वाइल आई एम ऑफ टुमारो, जब मैं कल चली जाऊँ, यू मस्ट क्लियर आउट द यार्ड, तुम्हें बरामदे को साफ करना होगा, स्वीप द हर्ट, झोपड़ी को की सफाई करनी होगी, वॉश द लिनन, कपड़े धोने होंगे, एंड कुक द डिनर, और खाना पकाना होगा। देन देयर इज अनदर लिटिल जॉब, और उसके बाद भी एक और जॉब बाकी है। यू सी दैट सैक, तुमने ये बोरी देखी है, इट्स फुल ऑफ ब्लैक बीन्स, ये ब्लैक बीन्स से भरी हुई है। वीट एंड पॉपी सीड्स, इसमें गंदम भी है और दूसरे बीज भी। सॉर्ट देम इनटू देयर सेपरेट लॉट्स, इन्हें अलग अलग जमा कर लो, एंड इफ अ सिंगल वन इज आउट ऑफ प्लेस, और अगर एक भी खोया, इनटू द कॉल्ड्रॉन यू शैल गो, तो तुम पतीली में जाओगी, यानी मैं तुम्हें खा जाऊंगी। एंड आई विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं तुम्हें सुबह के नाश्ते में खा जाऊंगी। विद दैट, इसके साथ बाबा यागा स्टम्प्ड ऑफ टू बेड, बाबा यागा सोने चली जाती है। नताशा टुक द डॉल फ्रॉम हर पॉकेट, नताशा अपनी जेब से डॉल निकालती है, एंड गेव हर द पीस ऑफ मीट, और उसे वो रोटी का टुकड़ा दे देती है। ओ लिटिल डॉल, क्राइड नताशा, नताशा चिल्लाती है,
ओ लिटिल डॉल, हाउ एम आई टू डू ऑल दीज टास्क, मैं ये सब काम कैसे करूँगी, हाउ कैन यू हेल्प नाउ, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। नताशा, हैव नो फियर, विस्पर द डॉल, डॉल खुशफुस आगे कहती है नताशा बिल्कुल मत डरो, से योर प्रेयर्स, दुआ मांगो, एंड गो टू स्लीप, और सोने चली जाओ। नताशा कर्ल्ड अप ऑन द फ्लोर बाय द स्टोव, नताशा चूल्हे के करीब करवट लेके ज़मीन पर लेट जाती है, एंड ट्राई टू स्लीप, और सोने की कोशिश करती है। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात, द हाउस इकोड, घर में गहर आवाज़ें आती रहती हैं, विद द रंबलिंग स्नोर ऑफ द विच, उस जादूगरनी के सोने के खर्राटों की। सम हाउ नताशा फेल असलीप, किसी तरह नताशा सो जाती है, बट शी वोक अर्ली, लेकिन वो जल्दी उठ जाती है, बिफोर द फर्स्ट ग्लेमर ऑफ डे, सूरज की पहली किरण के साथ ही। नताशा सेट अप, नताशा उठ कर बैठती है, एंड लुक्ड अराउंड हर, और अपने चारों तरफ देखती है। शी डिड नॉट नो वेयर टू बिगिन, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। द प्लेस वॉज सो फिल्थी, सारी जगहें बहुत गंदी थी। देन जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू स्टार्ट वर्क, लेकिन जैसे ही वो अपना काम शुरू करती है, शी हर्ड द वाइट हॉर्स, वो फिर से उस घोड़े और घुड़सवार की आवाज़ सुनती है, एंड राइडर थंडरिंग पास्ट द हाउस, कि वो घर के करीब से गुजर रहे हैं। द लाइट्स इन द स्कल अलोंग द फेंस फ्लिकर्ड एंड वेंट आउट, घर के करीब जो स्कल्स रखे होते हैं उनकी रोशनी फिर से चमकने लगती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। व्हेन बाबा यागा वोक अप, और बाबा यागा जब उठती है, बाबा नताशा हिड बिसाइड द स्टोव, नताशा चूल्हे के करीब छुप जाती है। बाबा यागा सून लेफ्ट द हाउस एंड नताशा वॉच फ्रॉम द विंडो एज शी गॉट इनटू द मोर्टार, बाबा यागा जल्द ही घर से चली जाती है, नताशा उसे खिड़की से देखती रहती है कि वो जब मोर्टार पे बैठती है। एंड सोर्ड अप इन टू द स्काई, और हवा में उड़ने लगती है। जस्ट देन द रेड हॉर्स एंड राइडर केम थंडरिंग बाय, फिर वही होता है, दोबारा से घुड़सवार और अपने घोड़े पे, लाल घोड़े पे बैठे, वहाँ से तूफान की तरह गुजरता है। एंड द सन शोन ब्राइटली इन द स्काई, और सूरज आसमान पे तेज चमक रहा होता है। नताशा लॉन्ग टू बी आउट इन द फ्रेश ओपन एयर, नताशा वहाँ से बस निकलकर खुली हवा में जाना चाहती है, बस शी हैड मच टू डू, लेकिन उसे बहुत काम है। शी टर्न टू स्टार्ट हर वर्क, वो अपना काम शुरू कर देती है, एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉज ऑल डन, और हैरान हो जाती है कि सारा काम पूरा हो चुका है। द रूम वॉज स्पार्कलिंग, कमरा जो है वो चमक रहा था। द यार्ड वॉज क्लियर, यार्ड भी साफ था। द लिनन वॉज वॉश, कपड़े धुल चुके थे। एंड द ग्रेन्स वर नीटली सेपरेटेड इन टू बिन्स, और बीज भी अलग 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 हो चुके होते हैं। इन द किचन, किचन में द वेजिटेबल्स वर ऑलरेडी चॉप, तमाम सब्जियाँ चॉप हो चुकी थी। एंड ब्रेड वॉज इन द ओवन, और रोटी जो है वो ब्रेड भी ओवन में थी। एंड द मीट वॉज इन द ट्रेज, और गोश्त भी ट्रे में थे, रेडी टू बी कुक, पकने के लिए तैयार थे। नताशा स्माइल एट द लिटिल डॉल, नताशा डॉल को देख के स्माइल करने लगती है। एंड देन वेंट आउट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट टू पिक सम फ्लावर्स, और वो जंगल के किनारे निकल जाती है कुछ फूल तोड़ने के लिए। एंड सिट इन द सनशाइन, और सूरज की रोशनी के नीचे बैठ जाती है। वॉट अ प्लेजेंट डे शी हैड, उसका कितना अच्छा दिन है। But the day did not last long, लेकिन दिन ज़्यादा देर तक नहीं रहता। The light faded, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। And soon the black horse and rider sped past, और जल्द ही काले घोड़े पर सवार एक सवार वहाँ से गुजरता है। Darkness fell, अंधेरा घुप हो चुका था। The skulls lit up, जो skulls थे वो रोशन होना शुरू हो गए थे। And with a hiss, और पड़ने की आवाज़ के साथ डाउन स्वर द मोर्टार कैरिंग बाबा यागा, एक मोर्टार नीचे उतरता है जिसे बाबा यागा सवार थी। द विच स्टॉर्म इन टू द हाउस, वो जादूगरनी घर के अंदर बहुत तेज़ी से दाखिल होती है। एज शी लुकड अराउंड, और वो चारों तरफ देखने लगती है। एंड सॉ हाउ क्लीन एवरी थिंग वॉज, और वो देखती है सब कुछ कितना साफ सुथरा है। शी बिकेम लेस फेयरसम, वो आप थोड़ी कम खतरनाक नज़र आने लगती है। यू हैव वर्कड वेल गर्ल,
सेठ बाबा यागा। बाबा यागा कहती है, लड़की तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बट वाई आर यू सो क्वाइट, लेकिन तुम इतनी खामोश क्यों हो। नताशा फेल्ट शी हैड बेटर से समथिंग, नताशा को लगता है कि उसे जल्द ही कुछ बोलना चाहिए, बिफोर द ओल्ड विच गॉट एंग्री, इससे पहले कि वो बूढ़ी जादूगरनी नाराज़ हो जाए। सो शी सेड पोलाइटली, तो वो आहिस्तगी से कहती है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन ग्रैनी, दादी माँ क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। आस्क सेड बाबा यागा, बाबा यागा कहती है हाँ पूछो, बट रिमेंबर नॉट एवरी क्वेश्चन लेड टू गुड, लेकिन याद रखना हर सवाल अच्छा नहीं होता। द मोर यू नो, जितना तुम जानोगी द ओल्डर यू ग्रो, जितना तुम समझोगी उतना जियोगी। हु इज़ द वाइट राइडर, वो सफ़ेद घुड़सवार कौन थे। आस्क नताशा टिमिडली, वो आयसगी से पूछती है। ही इज़ माई ब्राइट मॉर्निंग, वो मेरी सुबह थे। ही ब्रिंग्स द अर्लीस्ट लाइट, वो मेरे लिए रोशनी लाते हैं। हु इज़ द रेड राइडर, ही इज़ अ फेरी सन। ही ब्रिंग्स द डे, वो मेरे दिन, वो मेरे सूरज थे, वो मेरे लिए दिन लाते हैं। हु इज़ द ब्लैक हॉर्समैन, वो ब्लैक हॉर्समैन कौन थे। ही इज़ माई डार्क नाइट, वो मेरी रात थे। माई फेथफुल सर्वेंट्स ऑल, ये सारे मेरे खादिम हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सवाल है। हाउ डिड यू डू ऑल द वर्क सो क्विकली, तुमने इतनी जल्दी सारा काम कैसे कर लिया। माई डॉ स्टटर्ड नताशा, नताशा अटकते हुए कहती है, वो मेरी डॉल पूरी बात कंप्लीट भी नहीं कर पा रही होती है। शी वॉज जस्ट अबाउट टू टेल बाबा यागा अबाउट हर डॉल, वो बाबा यागा को अपनी डॉल के बारे में बताने ही वाली होती है। वैन शी सडनली रिमेंबर्ड हर मदर्स वर्ड, कि अचानक उसके अपनी माँ की बातें याद आ जाती हैं। माई डर्लिंग मदर गेव मी अ ब्लेसिंग, मेरी प्यारी माँ ने मुझे दुआएं दी हैं। बिफोर शी डाइड, उनके मरने से पहले। शी कंटिन्यूड हैसली, वो हचकिचाते हुए कहती है, एंड देन हेल्प मी, डैट हेल्प मी, और वो मेरी मदद करती है। अ ब्लेसिंग, श्रीक बाबा यागा एंग्रीली, बाबा यागा गुस्से से कहती है, दुआएं, आई वॉन्ट नो ब्लेस चिल्ड्रन हेयर, मुझे यहाँ पे कोई ब्लेस्ड बच्चे नहीं चाहिए। आउट यू गेट अवे, चली जाओ यहाँ से, दूर चली जाओ। बट यू हैव अर्न योर पे, लेकिन तुम अपनी कीमत कमा चुकी हो। सो टेक वन ऑफ द स्कल्स ऑन योर वे, तो तुम रास्ते में अपना एक स्कल ले लो। नताशा रैन टू द गेट, नताशा गेट की तरफ दौड़ती है, एंड प्लक्ड वन ऑफ द स्कल ऑफ द फेंस, और फेंस से एक स्कल उतार लेती है। शी स्पेड थ्रू द फॉरेस्ट, वो तेज़ी से जंगलात से गुजरती है। एंड डिड नॉट स्टॉप टिल शी गेट गॉट होम, और तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो घर ना पहुँच जाए। हाउ हैप्पी शी वॉज टू गेट होम, वो घर पहुँच के कितनी खुश हो चुकी होती है। बट एज शी वॉक थ्रू द डोर, पर जैसे ही वो अपने डोर से गुजरती है, शी वॉज ग्रीटेड विद अ स्क्रीम, उसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। नॉट अ स्माइल, बल्कि किसी मुस्कुराहट के। वाई हैव यू टेकन सो लॉन्ग, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। शाउटेड हर स्टेप मदर, उसकी सौतेली माँ चिल्लाती है। वी हैव बीन इन द डार्क, हम अंधेरे में बैठे हुए थे फॉर 3 days, 3 दिनों तक। नताशाज स्टेप सिस्टर स्नैच द स्कल, नताशा की सौतेली बहन उससे स्कल छीन लेती है। फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हाथों से स्कल छीन लेती है। एंड देयर मदर स्टेयर्ड इन टू द आइज ऑफ द लाइटेड स्कल, और उसकी माँ और दोनों सौतेली बहनें उस स्कल की आँखों में घूर रहे होते हैं, जो कि वो क्योंकि वो चमक रहा होता है। एंड एज दे स्टेयर, और जैसे ही वो उसे घूरते हैं, दे स्क्रम्बल स्लोली टू द फ्लोर, वो ज़मीन पे गिर जाता है और चूरा चूरा हो जाता है। इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट, कुछ ही लम्हों में, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ देम, वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता, बट 3 piles ऑफ वाइट एश, बस वहाँ कुछ राख ही मौजूद होती है। द लाइट इन द स्कल स्प्लटर्ड एंड डाइड, उसकी जो रोशनी है वो जल्दी जल्दी बुझना शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। नताशा स्टेयर्ड इन अमेजमेंट, नताशा हैरत से देख रही होती है। बट शी वॉज होम नाउ, लेकिन अब वो घर पहुँच चुकी होती है। एंड एट लीस्ट शी डिड नॉट हैव बाबा यागा टू वरी अबाउट, एट लीस्ट वहाँ कोई बाबा यागा नहीं है जिससे उसे
परेशान होना पड़े। लेटर दैट नाइट, उस रात के बाद हर फादर रिटर्न, उसके फादर घर आ जाते हैं। एंड टेयरफुली शी टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड टू हर, वो रोते हुए अपने अपने फादर को सारी कहानी सुनाती है। इन द मॉर्निंग नताशा एंड हर फादर बरीड द स्कल, सुबह होते ही नताशा उसके फादर उस स्कल को दफन कर देते हैं। एंड द एश इन द गार्डन, और उसकी राख को भी गार्डन में दफन कर देते हैं। एंड इन टाइम पुश स्प्रैंग अप, और उसी वक्त वहाँ पे एक झाड़ी नमोदार हो जाती है आउट ऑफ द ब्लैक अर्थ, उस ज़मीन से एक झाड़ी नमोदार हो जाती है। और रोज़ बुश विद रेड एंड वाइट रोजेज, वो एक रोज़ बुश होता है जिसमें वाइट और रेड रोजेज लगे हुए होते हैं। नताशा लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर दैट, उसके बाद नताशा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती है। एंड आफ्टर प्लग्ड अ रोज और टू एंड प्लेस देम इन द हेयर ऑफ हर लिटिल डॉल, और अक्सर उस बुश से कुछ फूल तोड़कर अपनी छोटी सी डॉल पे लगाया करती है। अस्सलाम।